आज हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर से धर्मस्थला घूमने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, सृष्टि की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं धर्मस्थला, उसके बाद कहीं और भी जाएंगे। तो 3 डेज के ट्रिप पे हम लोग निकले हुए हैं। तो सबसे पहले धर्मस्थला जाएंगे, उसके बाद कहीं और जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो हम लोग सुबह सुबह 4:30 बजे ही निकल गए हैं। एक जगह हम लोग रुके थे चाय के लिए और अब थोड़ी थोड़ी भूख लग गई है तो हम लोग के ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रास्ते में रुके हैं एक जगह। और ये सुबह सुबह का टाइम है, और एक बच्चा अभी तक सोया हुआ है। हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट हम लोग का हो चुका है, तो अब आगे चलते हैं। आप भी हम लोग के साथ बने रहिएगा। ओ बच्चा पट्टी, क्या प्लानिंग हो रहा है आज? ये डायनामार्क्स है। डायनामार्क्स है? नहीं, क्या है जी? धर्मस्थला घूमने के लिए, वहाँ टेंपल के दर्शन करने के लिए। और अभी घाटी वाला एरिया से हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ही यहाँ का रोड जो है बहुत ख़राब है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो बेंगलोर से आपको धर्मस्थला जाने में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं क्या लगते ही है ना। तो बेंगलोर से धर्मस्थला जाने में आपको 5 से 6 घंटा लग जाएगा, तो अपनी कार से जाने में। पर लगातार आप जा नहीं सकते, तो एक दो जगह हम लोग रुक गए थे, एक जगह चाय बिस्किट के लिए और एक जगह ब्रेकफास्ट के लिए। तो दो जगह रुक के तब जा रहे हैं। तो मॉर्निंग हम लोग 4:30 बजे घर से निकले थे और लगभग 12 बजे तक वहाँ धर्मस्थला हम लोग पहुँच जाएंगे। तो घाटी वाला एरिया है, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। मतलब सीन तो बहुत अच्छा है, पर रोड बहुत ही ख़राब है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। देखो तुम्हारा फोटो आएगा। तो हम लोग आ गए हैं धर्मस्थला और हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए शंकर भगवान के मंदिर में, मंजूनाथ टेम्पल। अभी मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा धूप थी, पर अभी थोड़ा सा बादल हुआ है, थोड़ा सा अच्छा मौसम हो गया है। हर हर महादेव। तो दर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, धोती और कुर्ता, नहीं कुर्ता कहाँ है, गमछा धोती पहन के। चप्पल नहीं लाए थे। तो मंजूनाथ टेम्पल में जेंट्स लोग के लिए ड्रेस कोड है, मतलब कि वो धोती पजामा या फिर पैंट पहन के जा सकते हैं, पर ऊपर में कुर्ता या टी शर्ट शर्ट गंजी वगैरह कुछ भी नहीं पहन के जा सकते। अगर आप पहन के जा रहे हैं तो मंदिर के मेन डोर पे वो आपको खुलवा देंगे, मतलब आप नीचे पहन सकते हैं, ऊपर नहीं पहन सकते हैं। तो अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हैं प्रसाद खाने के लिए। मतलब वो खाना जैसे ही अच्छे से बैठा के खिलाया जाता है, तो हम लोगों ने अच्छे से प्रसाद भी खाया वहाँ पर। तो धर्मस्थला से आधे घंटे की दूरी पे हमारा ये होम स्टे था, तो हम लोग यहाँ पे 4 बजे तक पहुँच गए थे और थोड़ा सा हम लोगों ने आराम किया। फिर शाम में कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, उन लोगों ने चाय पकौड़े भी हमें बना के खिलाए।
तो जहाँ पे हम बैठे हैं उसके पीछे में देखिएगा बहुत ही अच्छा सा सीन भी है वहाँ पे, सामने सब बैडमिंटन खेले हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा निकल पड़े घूमने के लिए, और वहाँ का मतलब लोकल बच्चे जो थे, वहाँ के लोकल बच्चे जो थे वो भजन वगैरह गा रहे थे, उसे भी हमने थोड़ा सा सूट किया है, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा टहल रहे हैं और बैंगलोर के भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा सा इधर मतलब जंगल में बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मतलब जंगल के पास, नेचर के पास रहिए तो काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो डे वन का ये मिनी ब्लॉग था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आगे भी मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे से ब्लॉग डालती रहूँगी, और 2 दिन हम लोग कहाँ कहाँ पे गए वो सब मैं अभी डालने वाली हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत जगहों पर हमने गए थे 2nd डे पर, तो वो आप ज़रूर देखिएगा अगला वीडियो।